दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर दूसरे नेताओं के मुकाबले कम सक्रियता के आरोप लग रहे हैं। विपक्षी पार्टी, सोशल मीडिया यूजर्स और कई बार दबी जुबान में आपके नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने भी उनकी चुप्पी को लेकर सवाल उठा दिए हैं। अब केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने राघव चड्ढा को लेकर एक ऐसा कुछ कहा जो वायरल हो गया है। दरअसल एक YouTube चैनल के दिए इंटरव्यू में सौरभ भारद्वाज ने हल्के फुल्के अंदाज में राघव चड्ढा पर टिप्पणी कर दी। भारद्वाज से पूछा गया कि राघव चड्ढा इतने चुप क्यों हैं? इसका जवाब देते हुए हंसते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि शादीवादी हुई है, शादी के बाद अच्छे अच्छे लोग शांत हो जाते हैं, शादी का ही इफेक्ट पड़ रहा है, आदमी थोड़ा पारिवारिक हो जाता है, घूमने फिरना शुरू कर देता है। ठीक है, उसकी उम्र है, उसको एंजॉय करना चाहिए। हालांकि उन्होंने स्वाति मालीवाल की तरह राघव चड्ढा के अलग राह चुनने की आशंका को अफवाह बता दिया। गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में राघव चड्ढा ने एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा से शादी की थी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राघव चड्ढा लंबे समय तक ब्रिटेन में ही थे। बताया गया कि उनकी आंखों की सर्जरी हुई और उन्हें कुछ समय आराम की सलाह दी गई थी। हालांकि वो सोशल मीडिया के जरिए पार्टी का पक्ष रखते रहे, लेकिन कई बार उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान 21 दिनों की अंतरिम जमानत पर निकले अरविंद केजरीवाल से भी उनके जेल जाने के बाद राघव चड्ढा समेत कुछ सांसदों की चुप्पी को लेकर सवाल पूछे गए थे। इंटरव्यू में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी में 2-3 लोग नहीं हैं, हजारों हजारों हैं और सभी सड़कों पर हैं। एक अन्य इंटरव्यू में उन्होंने पार्टी की अंदरूनी मामला बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी का मसला है और वो निपट लेंगे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।